हिजाब के बारे में अब आपका क्या कहना है सांसद जी, क्या होना चाहिए? इस्लाम तो यही कहता जो मेरा हुक्म थोड़ी है, तो हम तो इस्लाम के मानने वाले हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का जो हुक्म है, इस्लाम की जो मतलब ये कानून है हम उसको मानते हैं, तो आज भी हम तो उसी को मानते हैं कि इसमें हिजाब रहना चाहिए और उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाए। ये जजों की जो अलग अलग राय आई, एक ने पक्ष किया है सुप्रीम कोर्ट के जज ने, एक ने समर्थन किया है, तो वो इसको फिर मतलब रिकंसिडर करें इसको, कि उनकी राय भी एक जगह हो जाए, सारी मानी मतलब ये माहौल जो है उन्हीं का बिगाड़ा हुआ है सर। यानी बीजेपी को जिम्मेदार मानते हैं आप इसके लिए? हिजाब को लेकर अलग अलग राय दी है, एक ने कहा कि फैसला बैन लगना चाहिए, एक ने कहा नहीं लगना चाहिए, आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है, इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और ये जो है वो है औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाजारों में गलियों में न घूमें। इससे चूंकि हालात बिगड़ते हैं आवारगी बढ़ती है इससे, और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी नुकसान, न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। सांसद जी ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, क्या मानते हैं आपके इस मामले को? हाँ, तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सही फैसला करेगा। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान दे रहे हैं कि जिन लोगों का मन मचलता था वे हिजाब का विरोध करते हैं, ऐसे बयान को किस तरह से देखते हैं? ये तो बयान जो गलत बयान है कोई भी दे तो उसमें है ये ठीक नहीं है। यानी हरियाणा के मंत्री के बयान को आप गलत मानते हैं? नहीं, जो हरियाणा वो कोई मंत्री हो या संतरी हो, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अगर वो कोई किसी मजहब के खिलाफ सच्चाई के खिलाफ कोई बयान देता है तो उसको कोई मजबूरी नहीं है कि उसको कबूल किया जाए।